केरल के पालाकड़ जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद के अन्य सदस्य शनिवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उदयपुर जिला परिषद सभागार में पहुंचे और उदयपुर की जिला प्रमुख ममता कुंवर से मिले, जहां सभी का जिला प्रमुख ने मेवाड़ी पगड़ी और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान केरल जिला परिषद के सदस्यों ने मीडिया कर्मियों से की गई बातचीत में कहा कि उनका राजस्थान में आने का मकसद यहां की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रमुखता से जानकारी लेना है। मीडिया से बातचीत करते हुए केरल जिला परिषद के सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को लेकर और काम करने की जरूरत है। वहीं उदयपुर जिला प्रमुख ममता कुमार ने कहा कि हम लोगों ने भी केरल की जिला परिषद के आए सदस्यों से बात की और जिन मुद्दों पर अच्छा काम हुआ है उसे उदयपुर में भी करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रमुख ने महिलाओं को और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और काम करने की जरूरत बताई। उदयपुर पहुंचे केरल जिला परिषद के सदस्यों ने उदयपुर के पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण किया। मेरा नाम सफदर शरीफ है। हम तो केरल के पालघाट डिस्ट्रिक्ट के जिला पंचायत से आ रहे हो। मैं उधर के जिला पंचायत मेंबर हूँ। यहाँ हम एक हफ्ते से राजस्थान की अलग अलग जिले पर हम फिर रहे हैं। इधर की पंचायत राज सिस्टम और एक ही अलग अलग पंचायतें हम सब विजिट करके ही जा रहे हैं। इधर आज हमारा लास्ट दिन है राजस्थान पे और इधर उदयपुर की जिला परिषद में हूँ हम। इधर की केरल की और राजस्थान की ये पंचायती राज संविधान थोड़ा अलग अलग ही है। इसके बारे में हम राजस्थान की ये पंचायती राज के बारे में हम थोड़ा और पढ़ने के लिए हमारे ये यात्रा हमारे को बहुत अच्छी तरह से हुआ है और इधर के बड़ी अच्छी तरह है नए नए इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म्स सभी हमको सीखने के लिए ये यात्रा के एक हफ्ते से हमको हो गया है। नहीं, हम लोग थर्ड से उधर से निकला, अभी कल वापस जाएगा। एक हफ्ते के ज़्यादा अभी राजस्थान में एक एक जगह में हम लोग गया। बहुत अच्छा ये था, एक्सपीरियंस था राजस्थान में। हर एक पंचायत और जिला पंचायत और इधर का हिस्टोरिकल प्लेसेस सब हम लोग देखा है। बहुत हमारा टीम को बहुत इधर से पटना है, बहुत कुछ हम लोग समझ में आया है। वो सब हमारा देश में जाके उधर करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। ये हमारा प्रेसिडेंट है बिनुमोल। क्या मैम पंचायती राज के बारे में क्या यहाँ में वहाँ में क्या बदलाव देखा हमने? क्या हमको ये वुमेन एम्पावरमेंट इधर थोड़ा और होना चाहिए, हमको ऐसे लगा केरल से और ज़्यादा इधर होना चाहिए। हम एक एक विमेन इलेक्टेड मेंबर्स को बातचीत किया तो और थोड़ा ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम इधर करने से और ज़्यादा बेनिफिट होगा। जेंडर इक्वालिटी, हाँ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी और थोड़ा भी आगे होने का हमारा एक ओपिनियन है। हमारा केरल में तो कुटुंबश्री सब बहुत ज़्यादा हैं अच्छा से। जिसे पालकड़ डिस्ट्रिक्ट से ये सभी मेंबर जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख आए हैं उदयपुर। उदयपुर में जो भी पंचायत राज विभाग से जो भी कार्य हो रहा है हमारे जिला परिषद के माध्यम से, इन्होंने उन कार्यों को भी देखा है और हमने भी जो इनके जो केरला में जो भी कार्य हो रहा है वो भी हमने समझने की कोशिश की है। अगर हमें अगर केरला से अगर अच्छे से कोई मतलब सीख मिलेगी तो हम भी अपने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। और जैसे बोले महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं पे ध्यान देंगे कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से हम जोड़कर उनको आर्थिक स्तर से हम उनको ऊपर उठा सकते हैं और महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा ध्यान देने की कोशिश करेंगे और हम स्कूलों पे भी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्कूलों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो वहाँ की बच्चियाँ अच्छे से पढ़ पाएगी और वहाँ पे जो भी सुविधा होगी हम जिला परिषद के माध्यम से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।